वेलकम टू माई चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोटापे के ऊपर है। बहुत लोग बहुत परेशान हैं, आदमी हो या औरत हो, मोटापे से सभी परेशान हैं और बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, लेकिन खाना खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। फ्राइड चीज़ें, जो भी मोटापे को चीज़ें बढ़ाती हैं, वो बहुत पसंद करते हैं और उसमें कोई भी कमी नहीं करते। और जब एक्सरसाइज की बात आती है तो सोच विचार में पड़ जाते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करें, थक जाते हैं, मन नहीं करता, मूड नहीं होता। चाहे आदमी हो या औरत हो, दोनों का यही हाल है। फिर भी औरत चाहती है थोड़ा अच्छा, उसका आउटलुक रहे, तो वो पूरी कोशिश करती है जब भी टाइम मिलता है, बट ये टाइम हमेशा नहीं मिल पाता। आपके पास काम होते हैं, बहुत सारे मूड स्विंग होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जो नहीं हो पाती। और जो पहले के लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा वर्जिश वाले काम करते थे, अपने गांव के पूरे काम करते थे, घर के काम करते थे। आजकल मशीनरी चीज़ें हैं तो नहीं हो पाता। बाहर के लोग फिर भी ये चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं। वो लाइफस्टाइल जो जीते हैं वो डिफरेंट होता है। वो एज को बैरियर नहीं बनाते, अपनी पूरी बॉडी को फिट रखने की पूरी कोशिश करते हैं, बट इंडिया में ऐसा होता नहीं है। रिजल्ट क्या होता है? मोटापा। वो पतले से मोटे होते चले जाते हैं और फिर मोटे से पतला होने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स, जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और वो हो भी नहीं पाता। और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको पता होगा तो ओबेसिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में स्टार्ट हो जाती हैं। तो मोटापा किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। सब चाहते हैं इसे कम करना, बट किस तरीके से किया जाए, बहुत सारे डिफरेंट तरीके अपनाते हैं इसको करने के। मैं आपको कुछ एक अच्छा तरीका बता देती हूँ, ये बहुत अच्छा काम करता है आपके ऊपर। बट अगेन, थोड़ा डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको तली हुई चीज़ें और ये फास्ट फूड तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, तो मैदे वाली चीज़ें जो भी डाइजेशन को ख़राब करें आपको वो अवॉइड करना है। डाइजेशन से ही प्रॉब्लम्स आकर ओबेसिटी बनती है, आप याद रखें। इसको क्या करना है आपको? आपको कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल जो है वो अरंड का तेल होता है, उसको थोड़ा सा वार्म करके अपनी नाभि पे लगा लेना है और एरिया पे पूरा, जहाँ जहाँ पे आपके फ़ैट जमा हुआ है, चाहे तो वो बेली फैट है, चाहे तो वो थाइस फैट है, या कहीं का भी फैट है, कमर पे है, उस पे उसको वार्म को लगा लेना है अच्छे से। उसको इतना मसाज करना है कि वो बॉडी में अंदर तक चला जाए, ऐसे आपको करना है। और ये आपको रेगुलर करना है, रात को आप सोते हुए कर लें ताकि ये अच्छे से पूरा काम करे, ठीक है ना। विद पैसेज ऑफ टाइम 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आप देखेंगे कि आपका पेट अपने आप में फैट गलने लग गया है, बिकॉज इसके अंदर जो कैस्टर ऑयल है उसके अंदर ये ताकत होती है। अब ये तो आपने कर लिया, अब इसके बाद जो ड्रिंक है वो भी आपको पीनी पड़ेगी, क्योंकि डाइजेशन को अच्छा रखना है तभी तो आपका मोटापा ओबेसिटी जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? एक बहुत अच्छी सी टी है जो कि फैट को रिड्यूस करती है, डिटॉक्स ड्रिंक है, और आजकल तो बहुत अच्छा है ये, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तो ये ड्रिंक आपको ज़रूर पीनी है। इस ड्रिंक में क्या क्या आएगा? आपको अदरक ले लेना है, दालचीनी ले लेनी है, पुदीना ले लेना है, कलौंजी ले लेनी है और नींबू ले लेना है, ऊपर से नींबू निचोड़ लेना है थोड़ा सा। ये आपको दिन में 4 बार पीना है, 4 कप के हिसाब से आप बनाकर रख लीजिए, आफ्टर फूड ले लीजिए इसको, ताकि डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाए। तो आप ये कह लीजिए कि क्वांटिटी 1 कप के हिसाब से जितना आप छोटा छोटा डाल सकते हैं उतना आप डालें। अगर दालचीनी है तो 1 पिंच 1 कप में जाएगी, ठीक है ना। पुदीने के जो पत्ते हैं वो आप 4-5 ले लीजिए, वो जाएंगे। अदरक की आप, अदरक का मैं ऐसे नहीं बता सकती आपको, आप ये कह लीजिए कि अदरक का आप छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, 1/4 से भी कम, ठीक है ना। 1 कप का बता रही हूँ, तो इसको 4 कप के हिसाब से आप इनटू 4 कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपको लेमन स्क्वीज कर लेना है, इसमें आधा आधा लेमन पूरे 4 कप में चले जाएगा, ठीक है ना। ये आप बना कर रख लीजिए और इसे आफ्टर फूड आपको लेते रहना है 4 बार दिन में, ठीक है ना। ये आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा करेगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट को भी अच्छा रखेगा, ताकत भी देगा आपकी बॉडी में और फैट को भी गलाएगा। अब क्या करना है मॉर्निंग में? मॉर्निंग में आपको बार्ले खाना है, जी हाँ, जौ, जो छीली हुई जौ होती है आपको दुकान पे मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा। ये जौ का जो ब्रेकफास्ट करते हैं इसके अंदर इतने ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स हैं, आप यकीन मानिए कि अगर मैं इस लिस्ट बनाने बैठूँ तो बहुत ही ज़्यादा इसके
फायदे हैं। और इसको बीमारी में भी खाया जाता है, ये बीमारी जो जिसको फीवर होता है, बच्चे हों बूढ़े हों, उनको जिसको भी फीवर होता है वो फीवर ये डाउन कर देता है अगर आप इसको खाएंगे उस टाइम पे। तो तलबीना बनाया जाता है इससे, और वो तलबीना आपको बुखार से बचाता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स मिनरल्स हैं जो बॉडी को बूस्ट एनर्जी देते हैं, डाइजेशन बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेसपन है, जैसे भिंडी के अंदर होता है, आपकी और चीज़ों के अंदर होता है, तो ये जैसे ही गल जाता है इसके अंदर लेसपन होता है, और वो लेसपन आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, और ये आपकी बीमारियों को बहुत अच्छे से ठीक करता है। तो अगर आप ये लेंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो मोटापा भी जाएगा और बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है। इसका सूप वगैरह रेसिपीज़ में आगे बताऊंगी आपको, इसका सूप भी बनता है। आप इसे पहले बॉईल कर लीजिए, बॉईल करने के बाद आप वेजिटेबल्स वगैरह कट करके इसमें डालकर आप सूप बना सकते हैं, वो भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। या फिर आप इसमें गुड़ डाल लीजिए और इसमें डेट्स डाल दीजिए, जो खजूर होते हैं फ्रेश वाले खजूर होते हैं वो डाल लीजिए, मिल्क डाल लीजिए, उस तरह से आप इसे बनाकर आराम से, और जिसको मिल्क सूट नहीं करता वो आराम से इसमें पानी के साथ में कर सकता है, गुड़ भी डाल के इसमें खा सकता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और आपको पानी ज़रूर पीना है, बॉडी में बॉडी को ये कह लीजिए बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अगर आप डिटॉक्स नहीं करेंगे, जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी से नहीं निकलेंगे, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो हमेशा अपनी हर वीडियो में मैक्सिमम मैं बोलती हूँ, जहाँ पे हेल्थ चीज़ें आती हैं मैं पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। टॉक्सिन्स बाहर निकलने ज़रूरी हैं, हार्मफुल चीज़ें जो हैं बॉडी की वो बाहर निकलनी ज़रूरी हैं, तभी आपकी बॉडी अच्छे से फ्रेशन अप हो जाएगी और आप फ्रेश भी फील करेंगे। अगर टॉक्सिन्स अंदर रहेंगे और मोशंस ठीक से नहीं होंगे तो आपका मूड ऑफ रहेगा और आप ऐसे ही पूरे दिन निकालेंगे अपना, और फिर वो टॉक्सिन्स और वो जो गंदा स्टफ है बॉडी में जमता जाता है, और वो ओबेसिटी, गैस फॉर्मेशन, एसिडिटी एंड ऑल दैट करता है। उसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब होती है और आपका मूड स्विंग होता है और आपकी और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये दो तीन चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो मोटापे से ज़रूर आपको निजात मिल जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये उनमें से एक अच्छा तरीका है जो बिना एक्सरसाइज करे आप आराम से हासिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी डाइट्स ले लीजिए, भले ही दिन में 4-5 बार ले लीजिए, लेकिन एक साथ में मत खाइए, बहुत हार्मफुल है, मोटा कर देगा आपको अच्छे से, और फिर उसको मोटापे को स्टबन मोटापा हो जाएगा बॉडी में, और फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।